फाइनली हम जाए थे भुज के घर, आज वहाँ पे था सगन। तो फिर मैं अपनी आउटफिट दिखाई थी, मैंने था पिंक कलर का, लाइट बेबी पिंक कलर का ये फ्लेयर और कुर्ता, जो कि बहुत अच्छा लगता था। पड़ रही थी मस्त मस्त सी धूप, तो यहाँ पे मैंने की थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक। और उसके बाद दुपट्टा इतना हैवी था कि मेरा पूरा गला इतना ज्यादा पेन करने लग गया। फिर यहाँ पे चलते थे कुछ डांस, और फिर हम बाद में हमने डांस वगैरह किया, उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन खेली। खामोशी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोने तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में छुपा के रखूंगा। नीला ख्याल रखी मारा दिल साडा सांभ सकदी नी, तेरे कोल तसका तो दो दो जिंदगी तू। फिर फाइनली लड़की भाई सगन लेके आए, और यहाँ पे मेरी बूजी कुछ रस्म वगैरह कर रही थी। फिर फाइनली मैं ऊपर गई, और मुझे लगी थी बहुत जोर से भूख, और मैंने देखा फटाफट कि खाने में क्या लगा हुआ। मुझे इतनी भूख लगी हुई थी खाने की बात नहीं। फिर मैंने फटाफट पहले तो खाना खाया, और उसके बाद हमने की हल्दी वगैरह की तैयारी। फिर पहले हमने खिंचवाई फोटोज पे इतनी बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। फिर मैंने आउटफिट चेंज की अपनी, उसके बाद आउटफिट चेंज करने के बाद हमने की हल्दी की तैयारी। हल्दी के लिए फूल कम पड़ गए, उसके लिए हमें फूल चाहिए थे, और फिर हमने बड़ी मुश्किल से फूल अरेंज किए। और फिर ये कुछ होती है हल्दी के बाद की रस्म, जिसमें जो मामू होते हैं लड़के के, वो करते हैं ऐसे पानी को आर पार करते हैं, और जो आंटी होती है उनको उनके साथ कुछ पानी क्या करते हैं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इसकी। तो इसके बाद हमने जब रस्म करते, मेरे पापा को बिल्कुल पता नहीं चलता करना क्या है, तो इन्होंने बड़ी मुश्किल से जब रस्म करने लगे ऐसे पानी फेंकते, पूरा पानी अपने ऊपर ही गिरा रही है। पहले टाइम में सारे हंसने लग गए। That's it guys, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।